नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। धनतेरस से दिवाली की पर्व का आगाज हो जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इस दिन यम देवता के लिए दीप दान करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि क्षीर सागर के मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रकट हुए थे। ये भी कहा जाता है कि इसी दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस का पर्व हर साल दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन इस बार धनतेरस दिवाली से 1 दिन पहले मनाया जा रहा है। आइए बताते हैं धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि गुरुवार रात 9:30 पर शुरू हुई थी, जो आज शाम 5:59 तक समाप्त होगी। इस साल धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 13 नवम्बर को शाम 5:28 से शुरू होकर 5:59 तक है, यानी पूजा का कुल समय सिर्फ 30 मिनट का है। धनतेरस के पर्व पर माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, आरोग्य के देवता और आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी और यमराज की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान धनवंतरी की पूजा धनतेरस के दिन करने से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन भगवान धनवंतरी की प्रतिमा की विधि विधान से पूजा की जानी चाहिए। धूप और दीपक से आरती कर फूल अर्पित करने चाहिए और पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आराधना करनी चाहिए। धनतेरस के पर्व पर यमराज की पूजा की जाती है। यमराज मृत्यु के देवता हैं। इस दिन शाम के समय घर पर मुख्य द्वार के दोनों ओर अनाज के ढेर पर मिट्टी का बड़ा दीपक रख कर जलाया जाता है। ध्यान रहे कि दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसे यम दीपम या यम दीपक कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उस परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। भगवान कुबेर को धन का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान कुबेर की पूजा पूरे श्रद्धा भाव के साथ करने से भक्तों के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान कुबेर की पूजा करने के लिए उनकी प्रतिमा या फोटो को धूप दीपक दिखाकर फूल अर्पित करें और हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें। धनतेरस के पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी के छोटे छोटे पद चिन्हों को पूरे घर में स्थापित करना काफी शुभ माना जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।